बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन हाउस गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। आज मैं आपको बेलिस फ्लावर के पनीरी लगाने का तरीका बताऊंगा कि हमने बेलिस फ्लावर उसकी पनीरी किस तरह लगानी है और फिर हम उसको किस तरह दूसरे पार में शिफ्ट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉट के अंदर जो मिट्टी जो मैंने यूज़ की है उसके में उसके अंदर एक हिस्सा पत्तों की गली छड़ी खाद, एक हिस्सा भल और एक हिस्सा घर की मिट्टी इस्तेमाल की है। सतह को आपने इस तरह बराबर कर लेना है और इसके बाद इसके ऊपर बीज बिखेर देना है। ये बेलिस फ्लावर के सीड्स हैं और मैं इनको मिट्टी के ऊपर बिखेर दूंगा। बीज मैंने मिट्टी के ऊपर बिखेर दिए हैं। अब इसको मैं मिट्टी से ढाम दूंगा जो मिट्टी हमने इससे यूज़ किया है। आप चाहे तो कुकर पेट से ढाम दें, चाहे तो खुश्क पत्ते उनको बारीक पीस के उसके ऊपर ढाम दें, क्योंकि ये बीज बहुत छोटा है इसलिए हम इसको बिल्कुल इसके ऊपर हल्की सी तह लगाएंगे ताकि बीज को उगने में आसानी हो। बीज को मैंने ढाम दिए हैं और इसके ऊपर जो सतह है उसको भी मैंने बराबर कर दिया है। अब मैं इसको पानी लगा दूंगा। पानी मैंने इसको लगा दिए हैं। पहली दफ़ा आपने इसको अच्छी तरह पानी लगाना है। अब आप इसको धूप में रख देंगे और फिर रात को इसको पॉलीथीन से ढाम देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको जो नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे फेसबुक पेज और मेरे जो फैन पेज है उस पर भी जाके फॉलो कर सकते हैं। उस पर आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन गार्डनिंग के बारे में मिल जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।